मॉर्निंग, वेलकम टू माई चैनल ईजी इंग्लिश विथ मी। काफ़ी टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं जो है द रोड नॉट टेकन की पोएम की समरी आप लोगों को बताऊं और इसके MCQ बताऊं। तो समरी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, तो ये रहेगा उसके कुछ क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें से जो येलो हाईलाइटेड है तो वो इन क्वेश्चन के आंसर हैं। तो आप चाहें तो डायरेक्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर नोट कर लें, या चाहें तो इसके साथ में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्हें नोट कर लें। आप जैसा करना चाहें वैसा करें। तो ये इसकी फर्स्ट सीरीज है, सेकंड सीरीज नेक्स्ट डे अपलोड होगी। द पोएट स्टूड एट द इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन वर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ बीच से बटी हो और जहाँ उसका जो जहाँ से बटने का पॉइंट है वो जगह। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि पोएट कहाँ खड़ा हुआ था, कौन सी जगह पे जो जहाँ से बटी हुई थी, तो वो कौन सी जगह थी, वो थी टू रोड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द पोएट फेल्ड सॉरी बिकॉज, पोएट जो है सॉरी फेल्ड करता है क्यों, क्योंकि इसमें तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। ही कुड नॉट सी द रोड वेल, नेक्स्ट है ही कुड नॉट ट्रेवल ऑन द बोथ रोड्स, नेक्स्ट है ही डिड नॉट नो द डायरेक्शन। द करेक्ट आंसर इज He could not travel on both roads. आपने पोयम में पढ़ा है कि पोएट जो है वो दोनों रोड पे जो है नहीं चल सकता है। नेक्स्ट है द पोएट टुक द रोड, पोएट जो है कौन सी रोड लेता है, टू द राइट, टू द लेफ्ट, नेक्स्ट है द वन लेस ट्रेवल्ड ऑन। द करेक्ट आंसर इज द वन लेस ट्रेवल्ड ऑन। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएट डेपिक्स, फर्स्ट है द कन्फ्लिक्ट्स इन लाइफ, प्रॉब्लम्स वी फेस इन लाइफ, चॉइसेस वी मेक इन लाइफ। इसमें पूछ रहा है कि पोएट ने यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बताया है। तो पोएट ने जो बताया है वो बताया है कि चॉइसेस जो होती हैं हम कोई चीज़ डिसीजन लेते हैं, कुछ चीज़ चुनते हैं, उसका जीवन पे क्या असर होता है उसके बारे में बताया है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटायर पोएम इज, पूछ रहा है पूरी पोएम क्या है, सिमिल है, मेटाफोर है, बैलड है, पर्सोनिफिकेशन है। तो ये पूरी पोयम मेटाफोर है। कम टू नेक्स्ट पॉइंट सिक्स। द पोयम इज रिटन बाय, हम लोग सभी जानते हैं कि पोयम को किसने लिखा है। तो करेक्ट आंसर है रॉबर्ट फॉस्ट। डायरेक्ट हम इसी पे आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिड द पोएट सी इन द येलो वुड, पोएट जो है येलो वुड में क्या देखता है। तो जब वो डाइवर्जिंग पॉइंट पे खड़ा होता है तो क्या देखता है, टू पाथ्स डाइवर्जिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। वो देखता है कि दो रोड हैं, दो रास्ते हैं जो कि अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय अ वुड, अ वुड से ऑथर का या पोएट का क्या मतलब है। अ मिनी फॉरेस्ट, अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज ग्रोइंग वाइल्ड, अथवा ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर है ए एंड बी। तो इसमें मिनी फॉरेस्ट भी है, और एक चीज जान लीजिए वुड मीन्स जंगल भी होता है, फॉरेस्ट मीन्स जंगल होता है और वुड मीन्स भी जंगल होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नौवां क्वेश्चन है। हाउ वॉज वन पाथ डिफरेंट फ्रॉम द अदर, एक रास्ता जो है दूसरे रास्ते से अलग किस प्रकार से है। तो यहाँ पे चॉइसेस देखते हैं। One was greener, one had more grass, third है it seemed less used, fourth है all of above। तो इसमें सारी चीजें एक रास्ते में, जितने थ्री options हैं ये सारे options जो हैं इस रोड में मिलते हैं जो कि पाथ डिफरेंट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा all of the above। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 10। Which path had been walked on that morning before the poet travelled on one? कौन सा पाथ है जिस पे जो है पोएट जो है देखता है कि ज़्यादा चला हुआ है, तो कैसा दिखता है लोगों के चलने के वजह से, क्या उसमें डिफरेंसेस है। तो इसमें देखिए बोथ पाथ, द वन ऑन द लेफ्ट, थर्ड है नन ऑफ देम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करेक्ट आंसर है इसका नन ऑफ देम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। व्हेन द पोएट चूज वन ऑफ द पाथ व्हाट डिड ही होप टू डू, जब वो एक रास्ते पे चलता है तो वो क्या आशा करता है, क्या उम्मीद करता है।
आंसर इसमें देखिएगा, चॉइसेस देखिएगा, कम बैक एंड ट्राई द अदर पाथ, नॉट गो बैक, गो होम। तो इसमें करेक्ट आंसर है कम बैक एंड ट्राई द अदर पाथ। जब पोएट जो है एक रास्ते को चुनता है तो वो ये भी सोचता है कि अगर मैं दूसरे रास्ते पे चलूं तो, उसके मन में प्रश्न आता है कि काश मैं दूसरे रास्ते को भी चल लेता तो उस दौरान उसके मन में आंसर भी आता है कि आज तो ये संभव नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम मैं वापस आऊंगा और इस पाथ पे जरूर चलूंगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 12। इन द लाइन ओ आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, द फर्स्ट रिफर्स टू, यहाँ पे ये पोयम की लाइन है, इसमें द फर्स्ट किस के लिए यूज किया गया है। यहाँ पर ऑप्शंस देखिएगा, नरेटर्स चॉइस मतलब पोएट की चॉइस के लिए, सेकंड है द रोड के लिए, थर्ड है फेट के लिए। तो आंसर है द रोड के लिए। नेक्स्ट है फ्रॉस्ट यूज द इमेज ऑफ टू डाइवर्जिंग रोड टू सिंबलाइज, फ्रॉस्ट ने जो इमेज यूज की है दो बटी हुई रोडों की, वो किस चीज का सिंबलाइज है, किस चीज का सिंबल है। तो इसमें देखिएगा चॉइसेस चार दी गई है, सोरो एंड रिग्रेट, लाइफ चॉइस, द लव ऑफ नेचर, द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो करेक्ट आंसर है चॉइस, लाइफ चॉइस मतलब ये जीवन के निर्णय पर निर्भर किया है, उसके लिए इन्होंने सिंबलाइज किया है। कम टू 14 नंबर, रिलेवेंस फॉर यू इफ यू आर, ये तुम्हारे लिए कब जरूरी हो जाता है इस पोयम को पढ़ना, इससे जानकारी लेना कि अब कब जरूरी है। प्लानिंग अ मूव टू द कंट्री, जब आप एक कंट्री से मूव करके दूसरी कंट्री पे जाते हैं। नेक्स्ट है डिसाइडिंग विच कॉलेज टू अटेंड, आप ये निर्णय लेना चाहते हैं कि मुझे किस कॉलेज को ज्वाइन करना है। नेक्स्ट है कंसर्न्ड अबाउट द एनवायरनमेंट, जब आप अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट के बारे में ध्यान देते हैं। तो करेक्ट आंसर है डिसाइडिंग विच कॉलेज टू अटेंड। तो यहाँ पर आप जब पोएम में पढ़े हैं तो देखे हैं कि वहाँ पर डिसीजन लेना सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के लिए कब जरूरी हो जाता है कि वो क्या चुने, क्योंकि अगर आप कोई सब्जेक्ट चुनते हैं, कुछ भी आप चुनते हैं, तो वो उस एक ब्रांच को चुनेंगे तो वो आपको आगे ही लेके जाएगी, उसकी सब ब्रांचेस मिलेंगी, बट ये श्योर नहीं है कि आप वापस आएं और दूसरी ब्रांच जो आप चुनना चाहते थे उसे चुन पाएं। आते हैं 15 नंबर पे, व्हाट डज द नरेटर डिसाइड टू डू, नरेटर ने या पोएट ने क्या करने का निश्चय किया। ऑप्शन देखते हैं, टेक द सेकेंड रोड, टेक द वेल ट्रेवल्ड रोड, सेव द डायरेक्शन फॉर लेटर, तो उसने दूसरी रोड को चुना। आते हैं 16 नंबर पे, व्हाट डज द नरेटर डिसाइड टू डू, नरेटर ने क्या करने का निश्चय किया। यहाँ पे देखिए बोथ द क्वेश्चन आर डिफरेंट बट द आंसर आर सेम, सॉरी बोथ द क्वेश्चन आर ऑल्सो सेम एंड द आंसर आर ऑल्सो सेम, सो बाय मिस्टेक kindly skip one question 15 or 16 whatever you want to do, but the answer is same and the question is also same. Come to next question, it's a 17. Which of the following statement is the closest interpretation of the line yet knowing how way leads on the way. तो इसमें देखिए इसका करेक्ट आंसर है वन पाथ टेक्स यू टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है 18, अकॉर्डिंग टू द नरेटर द टू रोड्स लुक्ड, नरेटर या पोएट के अनुसार दोनों रोड कैसी दिखती हैं। फर्स्ट है अबाउट द सेम, नेक्स्ट है वेरी डिफरेंट, नेक्स्ट है मडी एंड अनप्लेजेंट। तो करेक्ट आंसर है अबाउट द सेम, लगभग एक ही तरह दिखती हैं। कम टू नेक्स्ट, लुकिंग बैक On his decision, the narrator feels, वो अपने जो है निर्णय लेने के बाद वो क्या सोचता है, क्या महसूस करता है। तो वो पहला है rebelled, इसमें वन नंबर नहीं डाला हुआ है, सेकेंड पे आप डाल लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है regretful, नेक्स्ट है meditative, थर्ड है embraced। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है meditative। आते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन पे, द नरेटर envisions दैट इन लेटर ईयर ही विल फील सैड,
The narrator envisions that in later years he will feel sad. जो इस पे लिखा हुआ है इसको काट दीजिएगा, इसको यहाँ से रिमूव करना होगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा लाइन हो गया है। हाँ, अब देखते हैं इसके ऑप्शन। टेल हिज स्टोरी, सी हिज एरर, राइट अबाउट हिज एक्सपीरियंस, फील सैड। तो ये पूछ रहा है कि आगे भविष्य में नरेटर जो है अपने लिए गए इस रोड पे जो खड़ा था, चला, उसने जो डिसीजन लिया, इसके बारे में वो क्या करेगा। पहला है इसकी कहानी बताएगा, दूसरा है सी हिज एरर, वह अपनी गलती ढूंढेगा, राइट अबाउट द एक्सपीरियंस, वह अपना अनुभव लिखेगा, चौथा है फील सैड, वह बुरा महसूस करेगा, दुखी महसूस करेगा। तो करेक्ट आंसर इज टेल हिज स्टोरी, वह अपनी कहानी बताएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पोएट द सेकेंड रोड हैज द बेटर क्लेम, बिकॉज पोएट के अनुसार सेकेंड रोड जो है बेटर क्लेम है, तो क्यों। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, हैड बीन ट्रेवल्ड लेस ऑन, तो इसका आंसर है क्योंकि वह कम चली गई है। तो ये आपके 21 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन हो गए सीरीज वन के। अब सीरीज टू जो आ रही है एमसीक्यू की, उस पे आप आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा और पढ़ाई कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।